बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ट्राउज़र का बहुत ही क्रिएटिव सा डिज़ाइन बनाएंगे क्रिस क्रॉस स्टाइल में। इस तरह के बहुत से डिज़ाइन आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन आई होप कि ये बहुत डिफरेंट होगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव मी थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसके लिए हम लोगों ने ट्राउज़र कट किया हुआ है। ट्राउज़र की लेंथ आप लोगों ने तैयार ट्राउज़र से जो है ना 4 इंचेस कम लेनी है। जितना यानी आप लोगों को रेडी चाहिए ना, उससे आप 4 इंच कम लेंगे। 2 इंच की उसमें डिज़ाइनिंग हो जाएगी और 2 इंच की जो पट्टी होगी ना फिनिशिंग वाली, वो लग जाएगी। यहाँ पे हम लोगों को 37 इंच लेंथ चाहिए, तो मैंने 33 ली हुई है। अब इसके बॉटम पे हम लोग जो डिज़ाइनिंग करेंगे, उसके लिए देखेंगे हम लोगों ने कपड़े से पट्टियाँ बनाई हुई हैं। या आप लोग शर्ट का जो फैब्रिक है उससे आप प्रिंटेड फैब्रिक ले सकते हो, या कोई कंट्रास्ट में ले सकते हो। और साथ ये जो है ये ट्राउज़र का फैब्रिक है, इन दोनों से हम लोगों ने ये पट्टियाँ बनाई हैं। ये पट्टियाँ कैसे बनाई हैं, ये हम लोगों ने 1 इंच जितनी पट्टी ली है। इस तरह देखें, ये 1 इंच जितनी पट्टी है, इसको आप दोनों साइड से फोल्ड करोगे। इधर से भी फोल्ड कर लें और इधर से भी, और फिर सेंटर से फोल्ड करके और इस पर आप लोग स्टिच लगा लोगे। तो ये इस तरह की पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। और ये आप लोगों ने तैयार करनी है, देखें इस तरह, फिर इनको कट कर दें 4 इंच जितना कट कर दें, ठीक है। और ये हमारी जो है डिज़ाइनिंग के लिए पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। ये पट्टियाँ जो है आप लोग 15-15 ले लें, ठीक है। और अब हम लोग ये लगाएंगे। एक उसके लिए हमें एक पेपर चाहिए, पेपर आप लोग ले लो। तो वो पेपर जो है आप लोगों का टोटल जो है वो 3 इंच जितना होगा, ठीक है। 3 इंच जितना पेपर होगा और सेंटर से आप लोगों ने 2 इंच जितना रखना है, 0.5 ऊपर 0.5 नीचे। और जो हम लोग डिज़ाइनिंग करेंगे वो 2 इंच पे होगी। ये जो पेपर हम लोगों ने लिया हुआ है ना, इस पे अब हम लोग डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये आप लोग एक एक जो आप लोगों ने स्ट्रिप तैयार की है ये लेते जाएं और यहाँ से थोड़ा सा गैप छोड़ के आप लोग ये लगाओगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने येलो जो पट्टी लेनी है और उसके साथ साथ आप लोग स्टिच करोगे, ठीक है। सबसे पहले येलो लेंगे, ये एक आप लोगों ने ले ली, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक पिंक पट्टी लेके इसके साथ ऐसे सिर्फ रखना है, लेकिन अभी इसको स्टिच नहीं करना, ठीक है। और इसके साथ आप लोग ये पिंक वाली स्ट्रिप लेके और साथ येलो लेंगे। थोड़ा सा येलो में गैप होगा, थोड़ा सा, बहुत कम गैप, ठीक है। आप लोगों ने देना है, क्रॉस बनाने हैं ना, तो आप लोग थोड़ा सा गैप दे के येलो पट्टी फिर स्टिच कर, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों ने फिर पिंक पट्टी लेनी है और इसके साथ रखनी है इस तरह, ठीक है। ये और उसके बाद येलो आप लोगों ने दोबारा लेके येलो को स्टिच कर देना है। एक साइड से येलो कंप्लीट हो जाएगा। 3-3 हम लोगों ने इसके वो बनाने हैं स्टेप। येलो तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक और पिंक लेंगे, जो तीसरी पट्टी है वो इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि क्रॉस जो है ये हमारा सही बने बिल्कुल, ये देखें ऐसे, ठीक है। अब आप लोग जो हो पिंक को भी ये इसको इसके साथ साथ स्टिच कर देंगे। इसके साथ साथ ये पिंक की बारी है। इस तरह ये जो है ये थोड़ा सा गैप इसमें देंगे ना, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, मामूली सा। ये देखें एक साइड से ये जब हो जाएगा ना, तो आप लोग इसको, अब मैं आपको दूसरी साइड से भी बताती हूँ। ये देखें अब दूसरी साइड पे आप लोगों ने इसी तरह क्रॉस कंप्लीट करने हैं। पहले पिंक वाला, पिंक को आप लोग आखिर पे ले जो इस तरह, ये देखें, ठीक है। और इस पर स्टिच करें और उसके बाद ये येलो वाला, लेकिन क्रॉस आपका सही बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग रखोगे इस तरह और आप लोगों ने पहले पिंक को आप करना है, स्टिच करते जाओ इसके साथ साथ ऐसे, थोड़ा सा गैप दे के ऐसे, ठीक है। और थोड़ा सा ये गैप दिया इधर और फिर पिंक, ये देखें, ठीक है। और ये लास्ट वन पिंक का, ये उसके बाद येलो की बारी है। ये ले, इसको भी आप लोग साथ स्टिच कर लो, तो एक क्रॉस जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये डन हो गया। इसके बाद आप लोगों ने फिर इसी तरह करना है पहली साइड पे। अब देखिए आप लोग दूसरा क्रॉस जब शुरू करोगे ना, तो पिंक के साथ ही आप लोगों ने गैप बिल्कुल भी नहीं देना और पिंक के साथ ही आप लोग इसको स्टिच करना शुरू करोगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने ये स्टिच करना है, फिर उसी तरह सेम प्रोसेस आप लोग फिर करोगे। फिर पिंक पट्टी को रखें, लेकिन स्टिच इसको नहीं करना, और येलो ले लेंगे और येलो को थोड़ा सा गैप दे के और आप लोग स्टिच करोगे, ठीक है। और उसके बाद फिर पिंक लेंगे हम लोग इस तरह और पिंक रख के और फिर येलो लेंगे, येलो स्ट्रिप लेके और येलो को एक तरफ से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट वन पिंक, और इस तरह जो है ये हमारा दूसरा भी जो है एक साइड से कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ रख के ना आप लोगों ने ये इसको स्टिच करते जाना है,
ये देखें, और अब दूसरी साइड से भी फिर इसी तरह आप लोगों ने करना है। जिस तरह उस साइड पे आप लोगों ने गैप नहीं दिया, ये भी आप लोग इसके साथ देखें बिल्कुल थोड़ा सा गैप दोगे ना, यानी इस साइड पे एक येलो के ऊपर ही स्ट्रिप आनी चाहिए। और इस तरह ही पिंक को आप लोगों ने इस तरह जोड़ देना है, ठीक है। और इस तरीके से आप लोगों ने ये पिंक के बाद फिर येलो की भी आपने इसी तरह करना है, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह आप लोगों ने सारा पैटर्न बनाना है। ये देखिए हमारा पैटर्न बन के तैयार हो गया है, और ये इसकी जो चौड़ाई है, ये हमने अपने जितनी बॉटम की चौड़ाई है उतनी आप लोग लोगे, और ये देखें ये इस तरह बन गया, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि अपने ट्राउज़र का बॉटम लेंगे और उसके एज पे आप लोगों ने जो है ना ये लगाते जाना है, ठीक है, इस तरह। अब सुई मशीन की तरफ चलते हैं और ये बनाते हैं। ये देखिए बॉटम को आप लोगों ने लेना है, और इसके उल्टी साइड पर आप लोगों ने ऐसे इसको, ये जो क्रिस क्रॉस आप लोगों ने तैयार किया है ना, और ये जो हाफ इंच का आप लोगों ने मार्जिन छोड़ा हुआ है, इसके साथ साथ आप लोगों ने स्टिच कर देना है। इसके साथ साथ आप लोग हाफ इंच का मार्जिन दे के आप लोग स्टिच करते जाओ, ठीक है, ऐसे हाफ इंच का मार्जिन दे के स्टिच करते जाओ। पूरा कर लो आप लोग। ये देखें एक साइड पे हम लोगों ने हाफ इंच का मार्जिन दे के ना उल्टी साइड पे ये स्टिच हो गया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि एक और पट्टी इसके साथ जो आखिर में फिनिशिंग वाली पट्टी जोड़ेंगे ना, वो आप लोगों ने ले लेना है, फोर इंचेस जितनी ले लें, और इसकी जो चौड़ाई होगी वो अपने बॉटम जितनी ले लें, ठीक है। और इस ये जो पट्टी है, अब इसके ऊपर आप लोगों ने इसको इस तरह रख देना है, इसके ऊपर इस तरह, ठीक है, और हाफ इंच का मार्जिन दे के आप लोग इसको पूरा स्टिच कर लोगे, ठीक है, जैसे आप लोगों ने ये किया हाफ इंच का मार्जिन दे ये पट्टी स्टिच करके फिर इसके ऊपर हम लोग पलट देंगे। अब इसके इसको हम दो एक दफ़ा फोल्ड करके और दोबारा इसी जो हम लोगों ने हाफ इंच का जो मार्जिन दिया है इसके ऊपर फोल्ड करके इस पर स्टिच करना है, इसके साथ साथ स्टिच करना सेट करके ना आप लोग, और फिर स्टिच कर देंगे। हम लोगों ने पट्टी हमारी जो है वो लग चुकी है। अब इसके साथ जो हम लोगों ने ये पेपर जोड़ा था ना, इसको आप लोग काटते जाओगे इस तरह, ठीक है। ये देखिए इसमें से ये खुद से फिर इस तरह निकलता जाएगा, ये देखिए ऐसे करके ना इसको आप लोग काटते जाओगे, ये देखिए इस तरह ही होगा, इस तरह सारा आप लोग इसको हटा दोगे। ये देखिए हम लोगों ने वो पेपर हटा दिया, तो ये उसकी फाइनल लुक है, और ये बहुत प्रिटी लग रहा है बनने के बाद। इसको अब हम लोग फिटिंग की सिलाई दे देंगे। ये हमारे ट्राउज़र की फाइनल लुक है, ये कंप्लीट हो गया है और बन के बहुत प्रिटी हो गया है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी और डिज़ाइन अच्छा लगे तो मेक श्योर कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।